ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आगे अब अपनी सुंदर प्रार्थना में प्रचिता कहते हैं, यावत ते मायया स्पृष्टा भ्रामम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगह स्यात न भवे भवे। तो बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। पहली पंक्ति में यावत शब्द का प्रयोग किया है, दूसरी पंक्ति में तावत। यावत का मतलब होता है जब तक, तावत का मतलब होता है तब तक। तो क्या कह रहे हैं, यावत ते मायया स्पृष्टा, हे भगवान, जब तक हम माया के प्रभाव में पड़े हुए हैं, जब तक हम भौतिक संसार में माया के अधीन हैं, माया के द्वारा स्पर्शित हैं, यावत ते मायया, जब तक हम माया के स्पर्श में हैं। तो क्या है, जब तक हम माया के स्पर्श में होते हैं तो हमारी हालत क्या होगी। वो कह रहे हैं, भ्रामम इह कर्म भी, अपने कर्मों के कारण हमें भ्रामम, भ्रामम का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना पड़ेगा, एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करना पड़ेगा, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भ्रमण करना पड़ेगा, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भ्रमण करना पड़ेगा कर्म के कारण। क्योंकि माया के स्पर्श होने के बाद हम अनेकों प्रकार के भौतिक कर्म करते हैं और उसके फल स्वरूप अनेकों प्रकार की देह प्राप्त करनी पड़ती है। कभी जानवर की देह, तो अलग अलग योनियों में हमें जन्म लेना पड़ेगा। कभी हम स्वर्ग लोक जाएंगे, कभी नरक लोक जाएंगे, कभी इस ब्रह्मांड में रहेंगे, कभी दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे। तो हमें भ्रमण करना पड़ेगा ऊपर से लेकर के नीचे, एक योनि से लेकर के दूसरी योनि तक। तो कह रहे हैं कि जब तक भगवान हमें इस भौतिक संसार में देह की प्राप्ति होती है, एक योनि से दूसरी योनि, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड हमें जब शरीर की प्राप्ति होती है, तब तक के लिए एक आशीर्वाद प्रदान करो। तो आशीर्वाद मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं। क्या वरदान कह रहे हैं, तावत तब तक, जब तक हमें संसार में भ्रमण करना पड़े, जब जब हमें इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़े, तब तक के लिए कृपा करके हमें एक वरदान दीजिए। तो क्या वरदान पूछ रहे हैं, तावत भवत प्रसंगानाम संगह। भवत, भवत मतलब भगवान, आपके प्रसंगानाम, आपके जो शुद्ध भक्त हैं, संगह स्यात, उनका संग हमें प्रदान कीजिए, ताकि उनके संग में हम चाहे नरक लोक में जाएं, हम चाहे स्वर्ग लोक में जाएं,
हमें चाहे कुत्ते का शरीर मिले, हमें चाहे मनुष्य का शरीर मिले, हम इस ब्रह्मांड में रहें या दूसरे ब्रह्मांड में जाएं, केवल एक आशीर्वाद हमें दीजिए, एक वरदान दीजिए, हम जब भी इस भौतिक संसार में जन्म लें आपके शुद्ध भक्तों का संग हमें प्राप्त होता रहे, ताकि उनके संग में आपकी कीर्ति, आपकी महिमा, आपकी कथाएं, आपकी लीलाएं, आपके नाम का हम हमेशा श्रवण करते रहें। क्योंकि भक्तों के संग में क्या होता है, भक्तों के संग में हमें एक अवसर मिलता है भगवत कथा सुनने का, भगवान की लीला सुनने के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए, ये हमें जो है एक अवसर प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि भगवान हमें ऐसा वरदान दो, हम किसी भी जगह पर जन्म क्यों ना ले लें इस भौतिक संसार में, हमें केवल इतना चाहिए कि आपके जो शुद्ध भक्त हैं उनका संग हमें प्राप्त होता रहे। संगः स्यात् न भवे भवे, नह मतलब हमारे को, भवे भवे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बार बार, भवे भवे मतलब बार बार हमें संसार में जन्म क्यों ना लेना पड़े, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। मतलब देखिए क्या है, भगवान का भक्त जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भी नहीं चाहता है, उसकी ये इच्छा भी नहीं है। ज्ञानियों की इच्छा देखिए क्या क्या होती है, कर्मी की इच्छा होती है स्वर्ग लोक जाने की, ज्ञानी की इच्छा होती है मुक्ति प्राप्त करने की, लेकिन भगवान का भक्त न स्वर्गलोक न इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है कि भगवान कोई बात नहीं, मुझे आप बार बार जन्म दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अवसर दे दो जब भी मैं भौतिक संसार में जन्म लूं आपके शुद्ध भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो जाए, और उनकी, उनके संग में आपकी कथा मैं सुन सकूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस विषय में कि चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, स्थाने स्थितौ श्रुति गताम तनुवान मनोभिर। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है आप कौन से स्थान पर हैं इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गृहस्थ जीवन में है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, स्थाने स्थितौ आप जिस स्थान पर हैं वहां पर स्थित रह करके केवल एक काम करो। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये इंस्ट्रक्शन है। कोई इंजीनियर है, आजकल के जमाने में हम देखते हैं, कोई व्यापारी है, हम कहीं पर दफ्तर में काम करते हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, घर के कार्यकलापों में हम लोग लगे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपके स्थान को बदलने की जरूरत नहीं है, आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, अगर हम क्षत्रिय हैं उसका कार्य कर रहे हैं, आप मिलिट्री में हैं, आप व्यापारी हैं, ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करना है, स्थाने स्थितौ आप जिस भी स्थान पर हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, तो क्या करना है, श्रुति गताम भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, श्रुति गताम। और क्या करना है, तनुवान मनोभिर, अपने तन से, अपने मुख से, वाक कहते हैं तनु वाक मन, और अपने मन से हमें भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान की कथाओं का श्रवण और अपने तन से, अपने मन से, अपने वाक्यों के द्वारा भगवान की सेवा, ये हमें केवल करनी है। तो अन्यथा भगवान के भक्त को, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, मम जनमनी जनमनी, यहां पर प्रचेता भी कह रहे भवे भवे, बार बार जन्म लेने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, जनमनी जनमनी, कि मुझे जन्म लेने दो,
लेकिन हर एक जन्म में आपकी भक्ति प्राप्त हो, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है, ये आशीर्वाद, ये वरदान हमें भगवान से मांगना चाहिए। और वरदानों में भला क्या रखा है, भौतिक वरदानों में क्या रखा है, वो सब टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं। और आगे ये बताते हैं कि ये वरदान क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि कोई पूछ सकता है कि भाई ये भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हैं, आप भगवान से कुछ भी मांग सकते थे, ये वरदान आपने मांगा, जन्म जन्म भगवान आपके शुद्ध भक्तों का संग दे दो ताकि आपकी कथा का श्रवण का हमें अवसर मिलता रहे, आपने ये वरदान मांगा। आप ये भी तो मांग सकते थे कि मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, आप ये भी मांग सकते थे कि भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे छुटकारा दिला दो। अब अगली प्रार्थना में बताते हैं स्वर्ग लोक जाने का और भक्त संसार से मुक्ति पाने का उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या मूल्य है, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग के सामने क्या उसका कुछ मूल्य है। तो ये अगली प्रार्थना में वो कहते हैं। तो क्या कहते हैं देखिए, तो अगली प्रार्थना में कह रहे हैं, तुल्यास लेवन अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम। इसकी तुलना किसकी तुलना, लेवन अपि क्षण मात्र, ये भी नहीं कि पूरे जीवन हमें शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, लव मात्र भी अगर हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, उससे जो हमें बेनिफिट है, उससे जो हमें लाभ मिलेगा, क्षण मात्र उससे जो लाभ मिलेगा, वो कहते हैं इसकी कोई तुलना नहीं है स्वर्ग लोक जाने के लिए भी। एक एक स्थान पर आपको स्वर्ग लोक मिल गया और आपको कहें स्वर्ग लोक की जगह में अगर आपको भगवान के शुद्ध भक्तों का संग लव मात्र क्षण भर के लिए मिल जाए, दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो कहते कि कोई तुलना ही नहीं है। भगवान शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्तों का संग अगर हमें क्षण के लिए भी मिल जाए, हमारा सारा जीवन बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, कुछ क्षणों के लिए भी, कुछ दिनों के लिए भी भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करके बड़े बड़े दुरात्मा महात्मा बन गए हैं। धृतराष्ट्र वो अपने पुत्र दुर्योधन का संग करके एक दुरात्मा थे, लेकिन महात्मा विदुर का संग करके उन्हें भी इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का संग करके प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त बन गए। ध्रुव महाराज अनेकों प्रकार की अभिलाषा लेकर के बैठे थे, लेकिन प्रहलाद लेकिन नारद मुनि का उनको भी संग प्राप्त हुआ और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बने। एक भागवत में एक प्रसंग है मृगारी का। मृगारी एक ऐसा शिकारी था जिसका हृदय बहुत कठोर था, जानवरों को आधा मार करके उसे खुशी मिलती थी, उसे आनंद होता था, लेकिन नारद मुनि के संग के द्वारा ऐसा व्यक्ति भी, इस प्रकार का निर्दयी व्यक्ति भी एक महान भक्त बन गया। तो ये हम प्रभाव देख सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त का अगर हमें लव मात्र भी संग प्राप्त हो जाता है, तो इस भौतिक संसार के सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये भौतिक संसार में देखिए, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण समझना है, ये जो चमत्कार है इस भौतिक संसार से छुटकारा पाने का, ये कोई जादूगर नहीं कर सकता है। एक बार की बात है,
मायापुर में एक बड़े जादूगर, भारत के बड़े ही प्रसिद्ध जादूगर थे, ये बंगाल से थे। तो वो जो है प्रभुपाद जी के पास में गए और वहाँ पर उन्होंने अपने अनेकों प्रकार के जादू दिखाए, और ये देख करके काफ़ी लोग जो वहाँ पर खड़े थे चकित हो गए। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या तुम अपने जादू के द्वारा किसी जीव को जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सकते हो? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, ये मैं कर सकता हूं। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, वो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जब हम इस भौतिक संसार में माया के स्पर्श में आते हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण हमें जो है देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम शुद्ध भक्तों के संग में आ गए तो हमारे भव बंधन खुल जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हम सत चित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो उससे बड़ा आशीर्वाद भला क्या है, आप बताइए। अगर आपको ऐसा जीवन मिल जाए जो जीवन आनंद से भरा है, जो जीवन परमानेंट है, सत है, जो जीवन ज्ञान से भरा है, चित सत चित और आनंद से भरा है, तो भला उससे बड़ा आशीर्वाद क्या मिल सकता है। तो वो यही कह रहे हैं, भगवत संगी संगस्य मर्ता नाम किम उताशीषा। भगवत संगी संगस्य, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग, इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद हो सकता है भगवान, इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद हो सकता है। तो ये तो प्रबोधानंद सरस्वती भी कहते हैं, केवल्यम नरकायते, तो कह रहे हैं न स्वर्गम न पुनर्भवम, इसकी तुलना न स्वर्ग लोक से की जा सकती है और ना मुक्ति से की जा सकती है। पुनर्भवम का मतलब मुक्ति। इन सबसे भी परे है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। तो प्रबोधानंद सरस्वती भी कहते हैं, केवल्यम नरकायते, भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाकर के मुक्त हो जाना वो नरक के बराबर है। त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते, स्वर्गलोक की प्राप्ति आकाश के पुष्प के बराबर है। तो इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता है। और आगे ये क्या प्रार्थना करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।